यदि शादी समारोह या फिर अन्य किसी कार्यक्रम में जाना चाहते हैं तो अपने घर की सुरक्षा भगवान भरोसे माने, क्योंकि दौसा शहर की पुलिस से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो आपके घर में चोरी की वारदात को होने से रोक पाए। जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से शहर में हो रही चोरी की वारदातें तो पुलिस की कुछ ऐसी ही छवि पेश करती है। सोमवार रात भी दो सुने मकानों में चोरों ने नकदी व जेवर पर हाथ साफ किया। शहर के मंडी रोड स्थित आशीष खंडेलवाल का परिवार शादी में शामिल होने के लिए चाकसू गया था। जब वापस आया तो घर के ताले टूटे हुए थे और सामान बिखरा हुआ था। यह देखकर उसके होश उड़ गए और जब अच्छी तरह से सामान को देखा तो 80,000 रुपये नकद और करीब 5,00,000 रुपये के जेवर गायब थे। इसी तरह संगम विहार कॉलोनी में विनोद विजय भी एक शादी में भाग लेने के लिए बांदीकुई गए हुए थे। जब वापस लौटे तो घर में चोरी की वारदात का पता चला। उनके घर से चोर 10,000 रुपये नकद और 50,000 के जेवरात पार कर ले गए। शादी में गए थे, 12:30 बजे ही वहाँ से आ गए थे। तो हम लोग जैसे घर में बाहर का लॉक तो लगा हुआ था, अंदर की कुंडी टूटी हुई थी। तो हम लोग आए तो हमारे अंदर आके देखा तो लाइट पूरी ऑन थी और अंदर पूरा सामान पूरा फैला हुआ था। अलमारी के ताले टूटे हुए थे और सोने की चीज़ें, 3 जोड़ी कानों के चैन और मंगलसूत्र, अंगूठी और 5 जोड़ी पायजेब और 80,000 रुपये कैश। टोटल कितना? टोटल 4-5 लाख का।